हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं MCO 5 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है एसेंशियल्स ऑफ सक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के सक्सेस होने के लिए कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको होना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में, तो हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। मैं कुछ चीजें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल का ज्वाइन बटन पे ज्वाइन क्लिक करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है आपको, जो कि 159 रुपीज पर मंथ के बेसिस पे आपको मिल जाएगा। इसमें आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाएगा फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके मन में हो, आपको वहां से सपोर्ट मिलेगा। इग्नू से रिलेटेड किसी भी तरह का अपडेट हो, आपको एडमिशन कब कराना है, असाइनमेंट आपको फ्री में मिल जाएंगे, है ना। आपको कब अपना री रजिस्ट्रेशन कराना है, कितने फी आपको पेमेंट करनी है, आपको हर एक तरह की हेल्प जो है आपको कॉमर्सी पाठशाला की तरफ से मिलेगी। आपको सॉल्व असाइनमेंट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको नोट्स जो है वो भी बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ पॉसिबल हो पाएगा जब आप हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान लेते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 159 रुपीज पर मंथ के बेसिस पे आपको पड़ता है। ठीक है, तो आप हमारे यहाँ से ज्वाइन बटन का प्रोग्राम पे आप क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को नाम को अगर सर्च करेंगे कॉमर्सी पाठशाला, तो हमारा चैनल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आना है और इग्नू एमकॉम जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहाँ पे ढेरों वीडियोस हैं जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। राइट, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऐसे एसेंशियल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के सक्सेस होने के लिए जिम्मेदार होते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बाय इटसेल्फ डज नॉट गिव एनी बेनिफिट। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक तरीके से किसी भी तरह का बेनिफिट आपको नहीं देती है। इट्स सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन सर्टन कंडीशंस, और कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक तरीके से डिपेंडेंट होती है कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगे तो ही आपको जो है बेनिफिट मिल पाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सपोर्ट ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिव बजटिंग, बजटेड परफॉर्मेंस इज बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिक टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जो बात यहाँ पे बोली गई वो ये है कि जो भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू एट ऑल लेवल्स पार्टिसिपेटिव बजटिंग में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। जो बजटेड परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ही बेसिक चीज होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। तो बजटेड जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर ध्यान दिया देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से आपकी मैनेजमेंट जो है आपकी आपको सपोर्ट कर रही है या आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही है। मोस्ट मैनेजर्स will be responsive to a budget which they have helped to develop, है ना। तो बहुत सारे managers ऐसे होते हैं जो कि उन सारे budget को back करते हैं या उसको support करते हैं जो कि उन्होंने खुद ही एक तरीके से तैयार करे हुए होते हैं। If the budget of the responsibility center is produced by a process of negotiation between a manager and intermediate supervisor, he will work to attain it, है ना। तो किसी भी तरह का अगर budget तैयार किया जाता है बिटवीन द टू पार्टीज के बारे में, जो यहाँ पे बताया गया है कि एक मैनेजर है और एक इमीडिएट सुपरवाइजर है, अगर दोनों मिलकर के किसी बजट को तैयार करते हैं तो डेफिनेटली दोनों मिलकर के उसमें जो है ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब ही यही है कि यहाँ पे डायरेक्टली कोई क्वांटिफाई करके आपको बेनिफिट नहीं मिलता, बट हाँ अगर दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई समझ रहा है, ले रहा है, तो डेफिनेटली वो काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा और आप एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन कर पाओगे। He will more actively pursue the goals and accept the resulting performance measure as equitable, है ना? तो आप अगर किसी को involve करते हो किसी काम को करने के लिए और अगर वो काम वो करता है तो उसमें जो भी in future जो भी उसमें developments होंगी या कुछ भी अगर अच्छा या बुरा होगा तो उसकी वो responsibility लेगा। So managers को इसमें engage करना बहुत important है और उसी बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मैनेजर जो है इसमें बहुत ही एक्टिवली हो करके अपने गोल्स को परसू करने की कोशिश करेगा और जो परफॉर्मेंस जो मेजर्स लिए जाएंगे वो भी बहुत ही इक्विटेबल होंगे। राइट, इफेक्टिव इफेक्टिव मोटिवेशन एंड कंट्रोल बेस्ड ऑन एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस मेजर्स डज नॉट ऑकर बाय एक्सीडेंट, है ना। तो जो इफेक्टिव मोटिवेशंस होते हैं जिसके कारण से कोई व्यक्ति ठीक तरीके से काम करता है या फिर जो कंट्रोल है आपके परफॉर्मेंस मेजर्स के ऊपर, वो बाय एक्सीडेंट नहीं होता, वो ऑटोमेटिक नहीं होता, उसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत लगती है। आपको लोगों को ये एहसास दिलाना पड़ता है कि आपका काम हमारे लिए मायने रखता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनी के लिए है या फिर बिजनेस के लिए है वो भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है।
राइट, दे मस्ट बी केयरफुली कंसिडर ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ द सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे यू नो मैनेजर्स के बारे में बात की जा रही है कि उनको भी कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप बजटेड सिस्टम को तैयार करने की बात कर रहे हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जो सबसे पहला कंडीशन यही है कि जो मैनेजर्स होंगे उनको एक तरीके से इक्वली पार्टिसिपेट कराना होगा इन मेकिंग ऑफ द पार्टिसिपेटिव बजटिंग, है ना। उनको एंगेज कराना होगा, उनको भी साथ में लाना होगा, है ना। तो ये पहला पॉइंट है, पहला एसेंशियल है किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के सक्सेस होने का। दूसरा पॉइंट है, द सिस्टम इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा जो है इंडिविजुअल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड होता है या फिर उसके ऊपर इसका भार होता है। इट इज द मैनेजर हु इनकर कॉस्ट एंड शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ईच एक्सपेंडिचर। और ये मैनेजर ही होता है जो कि कॉस्ट को इनकर करता है और उसी को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है फॉर ईच एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चे होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में मैनेजर जो है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है क्योंकि उसी को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है, राइट। थर्ड नंबर पॉइंट है, सेपरेशन ऑफ कॉस्ट्स इनटू कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कैटेगरीज, है ना। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को तभी अच्छे तरीके से कर पाओगे, इसका सक्सेसफुल ये तभी हो पाएगा जब आप कॉस्ट को सेपरेट करोगे बिटवीन कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कैटेगरीज, है ना। आपको बांट देना होगा कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल कैटेगरीज में कॉस्ट को, राइट। चौथा है, रीस्ट्रक्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशन अलोंग द डिसीजन मेकिंग लाइंस ऑफ अथॉरिटी, है ना। तो जो डिसीजन मेकिंग लाइंस ऑफ अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करना होगा, वापस से तैयार करना होगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लान व्हिच एस्टैब्लिशेस ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स टू बी अचीव्ड। और एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान का भी इसमें आवश्यकता होती है जो कि किसी भी यू नो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या जो उसके गोल्स होते हैं उसको एस्टैब्लिश करता है और उसको अचीव करने के लिए काम करता है। ये सारी चीजें जो है रिक्वायरमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के सक्सेस होने के पीछे। दो तीन पॉइंट्स और हैं, उनको भी कर लेते हैं। छठा पॉइंट है, द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट इनकरेंस थ्रू अ सिस्टम ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का भी एक महत्व है जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करता है ना, कि जो कॉस्ट इनकरेंस हो रही है थ्रू दिस सिस्टम एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अपना एक रोल प्ले करता है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का जब हम उसके बारे में बात करते हैं उसके सक्सेस होने के पीछे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का भी एक अपना एक महत्व है ना। मोटिवेशन ऑफ द इंडिविजुअल बाई डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द परफॉर्मेंस टुगेदर विद द इंसेंटिव्स। आपको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जब आप चेक कर रहे हो तो उस केस में आपको ये भी देखना होगा कि जिनके ऊपर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है वो कितने ज्यादा इफेक्टिव है। उनको इफेक्टिव बनाए रखने के लिए उनको मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बाई गिविंग देम यू नो इंसेंटिव या फिर रिवॉर्ड्स, है ना। तो एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो है आपको सेट करके रखना होगा अपने इंप्लॉइज के लिए, अपने इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और काम को ठीक तरीके से करें, तो ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ठीक तरीके से कर पाओ, है ना। आठवां नंबर पॉइंट है, टाइमली रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द गोल्स एंड परफॉर्मेंस बाय अ मींस ऑफ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, है ना। तो जो भी आप कर रहे हो अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी आपका गोल्स आप उसको अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, इन सब का रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको टाइमली रिपोर्ट करना होता है अपने मैनेजमेंट को, या फिर आपको टाइमली चेक करना होता है कि जो भी आपने स्टैंडर्ड या फिर परफॉर्मेंस आपने सेट करे थे क्या आप उन सबको अचीव कर पा रहे हो। उनका एक रिपोर्ट आपको टाइमली तैयार करना होता है ताकि जो भी नेसेसरी चेंजेस लेने की जरूरत पड़ती है आप वहां पे ले सको, है ना। अ सिस्टम ऑफ अप्रेजल और इंटरनल ऑडिटिंग टू इंश्योर दैट अनफेवरेबल वेरियंसेस आर क्लियरली शोन, है ना। तो एक सिस्टम ऑफ अप्रेजल जो है तैयार किया जाता है, एक इंटरनल ऑडिटिंग तैयार की जाती है जहां पे आप ये पता करने की कोशिश करते हो जो अनवेरिएबल वेरियंसेस है उनको किस तरीके से हटाया जाए। वो तभी हो पाएगा जब आप क्लियरली दिखाओगे कि ये मेरे वेरियंसेस है, ये मेरे अनफेवरेबल वेरियंसेस है जो कि एक तरीके से बिजनेस को काम करने में एक तरीके से रोड़ा डाल रहे हैं। तो उनको हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हटाने के पहले उनको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है उन सारी चीजों को पहचानने में, और जैसे ही आप उन सबको हटा दोगे उसके ऊपर ठीक तरीके से काम करोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का जो सक्सेस है वो भी आपको हो पाएगा। देन फॉलो अप एंड करेक्टिव एक्शंस नीड टू बी अप्लाइड, है ना। उसके बाद जब आपको ये पता चल गया कि अनफेवरेबल वेरिएंसेस ये हैं तो आपको तब आपको जाकर फॉलो अप करना है और करेक्टिव एक्शंस लेने हैं ताकि आपका जो काम है वो ठीक तरीके से हो सके,
राइट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर एक्यूमुलेटेड एंड रिपोर्टेड बाय लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अ व्यू ऑफ व्यू टू कंपेयरिंग द एक्चुअल कॉस्ट विद द बजटेड परफॉर्मेंस डेटा बाय द रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जो रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस होते हैं जो कि साल दर साल या फिर महीने दर महीने उसको एक्यूमुलेट किया जाता है, उसको रिपोर्ट किया जाता है बाय द लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ, और आप कंपेयर करते हो आपके एक्चुअल कॉस्ट को बजटेड कॉस्ट के साथ कि कितना का डिफरेंस आ रहा है, और जब उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है या डिफरेंस आता है तो आप उसके लिए मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल पकड़ाते हो, मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो, है ना। तो ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए। द होल एफर्ट इज टूवर्ड सेटिस्फाइंग द डेटा रिक्वायरमेंट्स फॉर रिस्पॉन्सिव कंट्रोल। ये जो सारा का सारा एफर्ट है ये इसलिए लगाया जाता है ताकि आप डेटा रिक्वायरमेंट्स जो आपकी है उसको पूरी हो सके, जिसके जरिए आप आपके पास जब डेटा होगा तो आपको सारी जानकारी होगी, और सारी जानकारी होगा तो आप रिस्पॉन्सिव कंट्रोल ले पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, है ना। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था जहां पे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में आपको बताया कौन कौन से ऐसे एसेंशियल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।